नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एफएक्यू ऑन बोनसाई श्रृंखला के दूसरा भाग में आपके साथ साझा करूंगा कब, क्यों और कैसे करेंगे बोनसाई का प्रत्यारोपण। प्रूनिंग और डिफोलिएशन की तरह रिपोर्टिंग अर्थात प्रत्यारोपण भी बोनसाई पर किए जाने वाला एक अपरिहार्य कार्य होता है। बोनसाई प्रत्यारोपण केवल विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि आप एक सफल बोनसाई कलाकार बनना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और इस एपिसोड को पूरा देखने के बाद आपको बोनसाई रिपोर्टिंग के बारे में हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगर आप बोनसाई बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, क्योंकि सही तरीके से बोनसाई सिखाने का भारत में यही एकमात्र बोनसाई यूट्यूब चैनल है। बोनसाई के साथ साथ गार्डनिंग के बारे में बहुत सारे सही जानकारी भी मिलेगा इस चैनल में आपको, और हाँ, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। FAQ ऑन बोनसाई के पहला एपिसोड में मैं प्रूनिंग और डिफोलिएशन के ऊपर जानकारी दिया था। आप अगर किसी कारण वो देखने से चूक गए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वो देख सकते हैं। इस ड्वार्फ बॉटल ब्रास पर प्रूनिंग का काम मैं समाप्त कर लिया। अब सीधा चलते हैं एपिसोड का मूल विषय पर। किसी भी कार्य को सर्वोत्तम तरीके से संपादित करने का केवल एक ही सरल उपाय है, और वो है उस कार्य को कैसे करेंगे ये जानने के साथ साथ ये भी जानना कि आप यह कार्य क्यों कर रहे हैं। बोनसाई प्रत्यारोपण का कई कारण होते हैं। बोनसाई प्रत्यारोपण मुख्य रूप से तब किया जाता है जब एक बोनसाई 2-3 या अधिक वर्षों से एक ही पॉट में बढ़ रहा हो। एक ही मिट्टी में लंबे समय तक बढ़ने से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और बोनसाई का जड़ भी पॉट बाउंड हो जाते हैं। बोनसाई की वृद्धि कम हो जाती है और धीरे धीरे मर जाती है। आपके बोनसाई को रिपोर्ट करने से ये छोटा नहीं रहता। रिपोर्टिंग से पेड़ को नए पोषक तत्व की आपूर्ति होती है जो इसे बढ़ने और फलने फूलने की सहायता करेगी। बोनसाई के ट्रेनिंग के समय पर हर साल रिपोर्टिंग आवश्यक होता है। इस समय बोनसाई का रेशेदार रूट बॉल तैयार करना होता है। जब रेशेदार रूट बॉल तैयार हो जाती है तो आप बोनसाई को केवल आवश्यक होने पर रिपोर्ट कर सकते हैं। कितनी समय बाद बोनसाई रिपोर्ट करना चाहिए, यह पेड़ की प्रजाति और पॉट के आकार पर निर्भर करता है। ट्रॉपिकल पेड़ों को 1 या 2 साल में एक बार प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता होती है, और कॉनिफर्स पेड़ों को 4 या 5 साल में एक बार प्रत्यारोपित करने की आवश्यकता होती है। एक रूटीन अवधि पर रिपोर्ट ना करें। इसके बजाय अपने पॉट से पेड़ों को सावधानी पूर्वक हटाकर हर ग्रोइंग सीजन में अपने पेड़ों की जांच करें। जब रूट बॉल के चारों ओर जड़ें घूमती होती है तो बोनसाई को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। जब जड़ें मिट्टी में निहित होती है तो एक और वर्ष तक प्रतीक्षा करें। तेजी से बढ़ते पेड़ों को हर 2 साल में, कभी कभी तो हर साल रिपोर्ट किया जाना चाहिए। पुराने या अधिक परिपक्व पेड़ों को हर 3 से 5 साल में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। रिपोर्टिंग का काम आमतौर पर ग्रोइंग सीजन के आरंभ के दौरान किया जाना चाहिए, जब पेड़ सुप्त अवस्था में है।
इस तरह एक पेड़ पर रिपोर्टिंग का हानिकारक प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाता है। जैसे पेड़ अभी तक पूर्णतः पत्तों को विकसित करना शुरू नहीं किया है, अर्ली सीजन में रिपोर्टिंग ये भी सुनिश्चित करेगा कि जैसे ही पेड़ बढ़ने लगेगा, जड़ प्रणाली को हुए नुकसान की जल्द ही मरम्मत की जाएगी। ग्रोइंग सीजन कौन सा है? ग्रोइंग सीजन हमारे भारत में दो बार मिलते हैं। सर्वोत्तम ग्रोइंग सीजन है फरवरी के महीने, सर्दी के मौसम के बाद शुरू होते हैं, और दूसरा ग्रोइंग सीजन है सितंबर, जो मॉनसून के बाद शुरू होते हैं। आइए जानें कि बोनसाई का प्रत्यारोपण कैसे किया जाए। रिपोर्टिंग शुरू करने से पहले अपनी पॉटिंग सॉइल बनाएं। मैं लंबे समय से पॉटिंग सॉइल पर शोध कर रहा हूं। मैं जल्द ही अपना अनुभव आपके साथ साझा करूंगा। बोनसाई की रिपोर्टिंग करते समय आपको दो काम करने होते हैं, एक है पॉटिंग सॉइल को बदलना और दूसरा है बोनसाई की रूट बॉल को बेहतर बनाना। बोनसाई ट्रेनिंग के समय रूट बॉल को धोकर काम करना चाहिए। ऐसा करने से आपको रूट बॉल स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, फिर काम सुगम और उत्तम होगा। जितना हो सके टैप रूट काट दीजिए। रूट बॉल के चारों तरफ से कम 30% तक प्रून कीजिए। इस बोनसाई के रेशेदार रूट बॉल तैयार हो गए हैं। अभी इसे बोनसाई पॉट में प्रत्यारोपण कर सकता हूं मैं। मैं इसे अगले फरवरी तक और स्वस्थ बनाना चाहता हूं और फिर इसे बोनसाई पॉट में ट्रांसप्लांट करना चाहता हूं, और अगले 4 महीनों में इसकी रूट बॉल भी थोड़ी और विकसित होगी। अधिक से अधिक फाइबर रूट पाने के लिए मैं ग्रोइंग बैग का उपयोग कर रहा हूँ। इस प्रकार का रेशेदार जड़े प्राप्त कैसे करेंगे, ये जानने के लिए मेरे चैनल में एक ट्यूटोरियल वीडियो है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि पेड़ रोपण के बाद मिट्टी पर स्थिर रहेगा, कोई एयर पॉकेट रूट बॉल के अंदर ना रहे। रिपोर्टिंग के बाद अच्छी तरह से पानी दीजिए और विकास का आनंद लीजिए। आपको अगर ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाके आपका रिमार्क्स छोड़ना मत भूलिएगा, और आपके ग्रीन लविंग दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करके मुझे सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी टिप ऑफ दिस एपिसोड, पेड़ अगर स्वस्थ ना हो तो रिपोर्टिंग, प्रूनिंग या डिफोलिएशन कोई भी काम पेड़ पर ना करें। इससे आप पेड़ को खो भी सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।